हेलो एवरी वन आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एन सी आर टू द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर मैथ्स अरियंत वर्कबुक का चैप्टर नाइन हाफ्स एंड क्वार्टर्स तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए हाफ्स एंड क्वार्टर्स सेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सेप्स अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको जो है ना आपको सेड करना है जैसे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कितना नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट यानी कि एट सेप्स है अब एट सेप्स में आपको हाफ को सेड कर देना है ठीक है तो जैसे कि अगर एट है तो एट का हाफ कितना हो गया फोर अब फोर को आप इस तरह से आप इसमें कलर कर देंगे ठीक है सेड कर देंगे इसे इस तरह से ठीक है उसके बाद देखिए अब ये वाले में कितना है वन टू थ्री फोर फोर है नंबर ऑफ सेप्स कितने हैं फोर है तो फोर में हमें टू को सेड कर देना है ठीक है इसके बाद इसमें है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है टेन में से फाइव को कर देंगे फाइव को अच्छे से आप इस, इसमें ऐसे कलर कर देंगे ठीक है इसके बाद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स में थ्री को कर देंगे ठीक है तो इस तरीके से आप इसे बना लेंगे उसके बाद है कट द गिवन स्क्वायर्स इनटू टू हाफ्स यूजिंग डिफरेंट वेज़ वन हैज़ बीन डन फॉर यू अब यहाँ पर जो है ना ये स्क्वायर दिया हुआ है इसमें आपको जो है ना टू हाफ्स में इसे आपको कट करना है डिफरेंट तरीके से जैसे कि एक तो बताया गया है यहाँ पर दिया गया है इसी तरीके से आप इसे अगर कट करते हैं तो किस तरह से यानी कि बराबर बराबर होना चाहिए ठीक है तो इसे आप कुछ इस तरह से कट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप इसे इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं अच्छे से आपको बराबर बड़ से से कट करना है इसके बाद आप इसे कुछ इस तरीके से भी कट कर सकते हैं यानी कि दोनों साइड बराबर बड़ा आना चाहिए उसके बाद आप इसे इस तरीके से भी कट कर सकते हैं ठीक है ठीक है तो आप इस तरीके से इसे बना लेंगे उसके बाद है डिवाइड द स्क्वायर्स इंटू फोर इक्वल पार्ट्स यूजिंग डिफरेंट वेज वन वन हैज़ बीन डन फोर यू तो यहाँ पर आपको जो है ना इसे डिवाइड करना है फोर इक्ल पार्ट्स में जैसे कि एक तो यहाँ पर दिया गया है कि ये देखिए बिल्कुल ही बराबर जो है ना इसे डिवाइड किया गया है इसी तरह से आपको इस इधर भी बराबर डिवाइड करना है जैसे आप इधर इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप इस तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे बीच में दे और उसके बाद इधर से और इधर से ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो आपको बिल्कुल ही बराबर से डिवाइड करना है इसके बाद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट द थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन इन द टेबल अब यहाँ पर आपको जो है ना इसका फ्रैक्शंस निकालना है जैसे कि वन बाई टू है ठीक है वन बाई टू का फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा यानी कि बराबर आप जब इसे आप मतलब कि इसे कट करेंगे तो ये बराबर -बड़ इतना ही आना चाहिए वन बाई टू तो देखिए इसे हम टू बाय फोर से इसे कट करते हैं टू वन जो टू ठीक है two, two, और टू टू जो फोर यानी कि कितना आया वन बाई टू कितना ही आया उसके बाद हम थ्री बाई सिक्स को थ्री बाई सिक्स को कट करते हैं तो वन बाई टू आता है फिर हम फोर बाई एट को कट करते हैं तो वन बाई टू आता है सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है तो इस तरीके से निकालना है बी नंबर में है वन बाई फोर अब वन बाई फोर के लिए तो देखिए इसमें क्या करना है टू बाई एट टू बाई एट को हम कट करेंगे तो वन बाई फोर आ आ जाएगा थ्री बाई ट्वेल्व है अब इसे कट करेंगे तो वन बाई फोर आएगा फ़ोर बाई सिक्सटीन है फोर बाई सिक्सटीन को अगर हम कट करते हैं तो वन बाय फोर आता है इसी तरह से आपको कोई भी नंबर लेना है लेकिन आप इसे जब कट करेंगे तो आपका वन बाई फोर ही आना चाहिए ठीक है उसके बाद सी नंबर में है थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर के लिए तो सिक्स बाई एट लेंगे हम सिक्स बाई एट में इसे कट करते हैं तो थ्री बाई फोर आता है सेकेंड में है नाइन बाई ट्वेल्व यानी कि थ्री बाई फोर इसे भी कट करेंगे तो इतना आएगा उसके बाद ट्वेल्व बाई सिक्सटीन थ्री बाई फोर इतना ही आता है ठीक है तो इसी तरीके से आपको निकाल लेना है इसे ठीक है उसके बाद है कम्पेयर द फ्रैक्शन एंड राइट ग्रेटर देन और इस्मॉलर देन और इक्वल देन बिटवीन दैम यू कैन कलर द पीसेस इन द पाई टू हेल्प यू अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसे आपको बताना है इसमें कि कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा स्मॉलर देन है और कौन सा इक्वल देन है ठीक है तो जैसे इसमें दिया गया है तो ये कौन सा है ये ग्रेटर देन है ठीक है ये है ग्रेटर देन वन बाई टू तो इस साइड हम इस तरह से लिखेंगे उसके बाद इसमें भी ये ग्रेटर देन है ठीक है और ये देखिए दोनों साइड ही बराबर -बड़ है यानी कि इक्वल देन है तो इसमें हम इस तरह से लिखेंगे ठीक है उसके बाद ये वाला जो है ना स्मॉलर देन है थ्री बाई थ्री इस साइड से और उसके बाद ये वाला इक्वल देन है ये वाला जो है ना आपका ग्रेटर देन है थ्री बाई थ्री इस साइड ठीक है तो इस तरीके से आपको बना लेना है इसके बाद है आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन ठीक है विच फिगर सोज वन बाई टू हाफ्स अब यहाँ पर जो है ना आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है ना ये सो कर रहा है वन बाय टू ठीक है यानी कि हाफ कौन सा शो कर रहा है इन तीनों में तो ये वाला सो कर रहा है ये बिल्कुल ही बराबर तरीके से देखिए बिल्कुल हाफ में कटा हुआ है तो इसमें हम टिक लगाएंगे विच फिगर सोज वन बाय फोर यानी कि क्वार्टर्स क्वार्टर्स कौन सा शो कर रहा है तो ये वाला बी नंबर ये क्वार्टर्स यानी कि बराबर में है ये वाला ठीक है फोर इक्वल पार्ट में तो इस तरीके से बनाएंगे उसके बाद है आपका सिक्स नंबर में कुंदू वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स द प्राइस लिस्ट ऑफ़ डिफरेंट आइटम्स इज़ गिवन बिलो देखिए कुंदू जो है ना वो मार्केट जाता है वेजिटेबल ख़रीदने के लिए और नीचे जो है ना ये लिस्ट दिया गया है प्राइस लिस्ट जो उसने वेजिटेबल ख़रीदा ठीक तो है तो यहाँ पे आइटम है यहाँ पे प्राइस है टोमेटो सिक्सटीन रुपीज़ पोटेटो ट्वेंटी रुपीज़ है अनियन ट्वेल्व रुपीज़ कैरट टेन रुपीज़ और पंपकिन सिक्स रुपीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एब प्राइस लिस्ट एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब ऊपर जो ये लिस्ट लिखा गया है ना इसके अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है अब देखिए इसमें है जैसे फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ थ्री बाई फोर के जी ऑफ टोमेटोज़ वन बाई टू के जी ऑफ कम पंपकिन एंड वन बाई फोर के जी ऑफ अनियन अब इसका आपको निकालना है तो टोमेटोज का देखिए थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर मल्टी कर देंगे हम सिक्सटीन से ठीक है टोमेटो कितना है सिक्सटीन रुपीज़ है ठीक है तो इससे हम क्या कर देंगे मल्टी कर देंगे तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है अब फोर से जो है ना पहले अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कट करेंगे फोर फोर जा सिक्सटीन ठीक है फोर से यहाँ पे कट हो जाएगा यानी कि फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व रुपीज़ होगा अब पंपकिन का निकालते हैं हाफ के जी पंपकिन का तो हाफ़ यहाँ पे वन बाई टू लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और कितना रुपीस केजी है पम्पिन पम्पिन है सिक्स रुपीस, तो सिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब टू थ्री जो सिक्स तो इस तरीके से आपको कट करना है ठीक है तो कितना हो जाएगा थ्री वन जो थ्री यानी कि थ्री रुपीज़ हाफ के जी का कॉस्ट कितना होगा थ्री रुपीज़ अब अनियन का निकालेंगे अनियन वन बाई फोर ठीक है वन बाई फोर के जी है और मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ 12 से अनियन ट्वेल्व रुपीस के जी है तो फोर यानि थ्री ट्वेल्व यानी कि रुपीस अनियन का कॉस्ट हुआ सम निकालना है अब यहाँ पे सम निकालना है तो ट्वेल्व रुपीस कितना टोमेटो का हो गया ट्वेल्व प्लस का थ्री और थ्री अनियन का तो कितना हो गया एटीन रुपीस टोटल का कॉस्ट कितना हो गया एटीन रुपीस तो इसी तरह से बना लेना है उसके बाद देखिए सेकंड में है कि विच कॉस्ट मोर वन बाई फोर के जी ऑफ अनियंस और वन बाई टू के जी ऑफ कैरेट्स अब किसका इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो ये निकालना पड़ेगा जैसे अनियंस है तो अनियंस का वन बाय फोर ठीक है वन बाई फोर के जी मल्टी कर देंगे इसको ट्वेल्व से तो फोर थ्रीज है ट्वेल्व तो ये कितना हो गया इसका कॉस्ट थ्री रुपीज़ अब कैरेट का तो वन बाई वन बाई टू के जी कैरेट का मल्टी कर देंगे हम टेन से कैरेट कितना रुपया के जी है टेन रुपीज़ ठीक है तो टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू फाइव जैर टेन यानी कि फाइव रुपीज़ कैरेट का कॉस्ट है अब मोर कॉस्ट वन बाई टू के जी कैरेट किसका ज़्यादा है वन बाई टू यानी कि हाफ़ के जी कैरेट का कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि इसका फाइव रुपीज़ है और इसका थ्री रुपीज़ है ठीक है वॉट इज़ द प्राइस ऑफ थ्री बाई फोर के जी अब थ्री बाई फोर के जी पोटेटोज़ का जो है ना प्राइस निकालना है तो थ्री थ्री बाई फोर मल्टी कर देंगे हम ट्वेंटी से पोटेटो कितना रुपीज़ है तो ट्वेंटी रुपीज़ के जी है तो ट्वेंटी से हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो फोर फाइव ज ट्वेंटी ठीक है यानी कि फाइव थ्री जा फाइव को यहाँ थ्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थ्री जा फिफ्टीन फिफ्टीन रुपीज़ होगा ठीक है तो इसी तरीके से आपको बना लेना है कंप्लीट द फॉलोइंग वॉट पार्ट ऑफ द होल इज सेडेड अब देखिए इसमें जो है ना सेड करना है तो देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे पहले हम देख लेंगे कि कितना पार्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स है और जो है ना सेडेड पार्ट कितना है तो वन टू थ्री थ्री पार्ट सेडेड है तो थ्री बाई सिक्स लिखेंगे ठीक है थ्री बाई सिक्स और इसे अब हम कट करेंगे तो वन बाई टू हाफ ठीक है हाफ पार्ट यानि कि सेडेड है ठीक है अब इसमें देखिए अब इसमें है फोर फोर यानि एट है एट है और सेडेड कितना है थ्री और थ्री सिक्स सिक्स पार्ट सेडेड है यानी कि कलर किया हुआ है तो सिक्स बाई एट लिखेंगे और इसे हम कट करेंगे तो थ्री बाय फोर यानी कि थ्री बाय फोर पार्ट जो है ना इसका सेडेड uh, है तो थ्री बाय फोर लिखेंगे पार्ट्स ठीक है अब इसमें देखिए तो वन टू थ्री फोर फोर है फोर में हम नीचे फोर लिखेंगे और वन पार्ट इसका सेडेड है तो वन बाय फोर लिखेंगे वन बाय फोर पार्ट्स ठीक है अब इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है और टेन फाइव सेडेड है तो फाइव लिखेंगे ऊपर और नीचे टेन लिखेंगे टोटल को हम लिखेंगे फाइव बाई टेन यानि कि वन बाई टू ठीक है हाफ पार्ट सेडेड है वन बाई टू पार्ट्स ठीक है इसके बाद एट नंबर में है कलर वन बाय फोर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेप्स ठीक है अब इसमें हाफ पार्ट को, को जो है वन बाई फोर पार्ट को जो है ना इसमें आपको कलर करना है ठीक है तो देखिए इस तरह से आप कलर कर देंगे एक पार्ट को आप कलर कर देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरीके से इसमें भी एक पार्ट को कर देंगे अब इसमें फ़ोर है एट है टोटल एट में से हम टू को कलर कर देंगे इसमें फ़ोर है तो एक हिस्से को हम कलर कर देंगे इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है सिक्स है और इधर सिक्स ट्वेल्व है ट्वेल्व में से हम कितने को करेंगे ट्वेल्व में से हम थ्री को करेंगे तो वन टू थ्री थ्री पार्ट को हम कलर कर देंगे चाहे तो आप इस साइड से कलर कर सकते हैं या इस साइड से किसी भी थ्री पार्ट को आपको कलर कर देना है अब इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है एट में से हम टू पार्ट को कलर कर देंगे ठीक है इसी तरीके से बना लेना है अब इसमें देखिए क्या करना है आपको जैसे यहाँ पे नाइन नंबर में दिया हुआ है कि सेट द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शंस अब जैसे इसमें लिखा हुआ है वन बाई टू वन नंबर में क्या है वन बाई टू अब इसमें सेड करना है तो यहाँ पर देखना है आपको कितना पार्ट है टू है अब इसमें वन बाई टू का मतलब हुआ हाफ हाफ में आपको सेड कर देना है तो इस साइड में हम इसे कलर कर देंगे ठीक है अब इसमें वन बाई टू है यानी कि हाफ तो आप इधर से वन टू थ्री यानी टोटल कितना पार्ट है सिक्स है सिक्स में से थ्री को कलर कर देंगे अब थ्री बाई फोर है थ्री बाई फोर है यानी कि कितना करना है इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब एट है एट में से आपको सिक्स पार्ट को कलर कर देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्ट को अच्छे से कलर कर देना है अब वन बाई फोर है वन बाई फोर है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व है तो ट्वेल्व में से हम थ्री पार्ट को कलर कर देंगे ठीक है वन टू थ्री थ्री को कलर कर देंगे आप अच्छे से कलर कर लेंगे ठीक है इसके बाद है थ्री बाई फोर अब थ्री बाई फोर है यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है एट में से हम सिक्स पार्ट को कलर करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्ट को कलर कर देंगे अब वन बाई टू है यानी कि हाफ़ तो कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है तो सिक्स में हम थ्री को कलर कर देंगे ठीक है तो आप इसी तरह से बना लेंगे अब इसमें देखिए वन बाई टू है यानी कि हाफ़ इसमें वन टू थ्री फोर फोर है तो इसमें हम क्या करेंगे टू पार्ट को कलर करेंगे ठीक है टू पार्ट को इस तरह से कलर कर देंगे अब थ्री बाय फोर है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है तो एट में से सिक्स पार्ट को कलर करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको बना लेना है ठीक है यानी कि आपको याद रखना है अगर थ्री बाय फोर होगा तो पहले आप कलर कर लेंगे अगर एट होगा एट में से आप सिक्स पार्ट को कलर कर देंगे वन बाई टू होगा यानी कि हाफ पार्ट अगर फोर है तो फोर में से टू पार्ट को कलर कर देना है टू है तो टू में से वन पार्ट को कलर कर देना है ठीक है उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज द फिगर विच सोज वन बाय फोर सेडेड पार्ट अब यहाँ पे चूज करना है उस फिगर को जिसमें कि वन बाय फोर सेडेड पार्ट है वन बाय फोर इसका मतलब क्या है वन पार्ट यानी कि फोर पार्ट है यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है फोर का मतलब कि वन हिस्सा वन पार्ट आपको कलर करना है तो ये हुआ वन बाय फोर तो इसमें हम टिक लगा देंगे डी नंबर में चूज द फिगर विथ सोज टू बाई एट सेडेड पार्ट अब इसमें टू बाई एट सेडेड पार्ट है ठीक है तो उसमें आपको कलर करना है ठीक है अब आप ये सोचेंगे कि टू बाई एट तो होता नहीं है अब इसे कैसे निकालेंगे तो टू में से क्या करना है टू बाई एट है तो इसमें आप कट कर देंगे ये कितना हो जाएगा वन और ये कितना हो जाएगा फोर यानी कि वन बाई फोर वन बाई फोर पार्ट को आपको कलर करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है एट में से आपको वन पार्ट को कलर कर देना है यानी कि टू पार्ट को एक हिस्सा जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर बताया गया है वन बाय फोर पार्ट तो ये एक हिस्सा कलर करना है इसी तरह से यहाँ पर एक हिस्सा इसका कलर कर देना है ठीक है कलर किया हुआ यहाँ पे आपको टिक लगाना है तो इस पार्ट में हम टिक लगा देंगे ए नंबर में ठीक है के बाद है थर्ड में चूज द फिगर विथ सोज वन बाई टू सेडेड पार्ट अब वन बाई टू सेडेड पार्ट में आपको कलर टिक लगाना है यानी कि हाफ में तो हाफ कौन सा है ये वाला हाफ है इसमें टिक लगाएंगे चूज द फिगर विथ सोज द फ्रैक्शन थ्री बाई फोर सेडेड पार्ट अब थ्री बाई फोर सेडेड पार्ट इसमें से कौन है ये देख लेते हैं ये नहीं है ये नहीं है और ये नहीं है कोई भी नहीं है तो इसमें हम टिक लगाएंगे नन ऑफ दीज में कोई भी नहीं है ठीक है बाद है कलर द फ्रैक्शन इन द फिगर अब इसमें कलर करना है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द होल एंड कलर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट वन हैज बीन है और कलेक्शन है ठीक है अब होल इस तरह से दिया हुआ है फ्रैक्शन है ये वन बाई फोर अब यहां पे कलेक्शन इसे किस तरह से आपको कलर करना है ठीक है तो यहां पर एक तो बताया गया है इसी तरीके से ये वाला भी बनाना है अब इस तरह से दिया हुआ है अब इसका क्या हो जाएगा थ्री आ, फोर बाई एट फोर बाई एट एट है अब एट टोटल पहले हम काउंट करेंगे एट है और फोर पार्ट सेडेड है फोर बाई एट होगा अब इसे कट करेंगे वन बाय टू वन बाई टू यानी कि अब यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे वन बाय टू का मतलब क्या हुआ हाफ पार्ट इसमें से टोटल है आ, टेन है टेन में से हम फाइव पार्ट को कलर कर देंगे ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है इस तरह से आप इसमें कलर कर देंगे उसके बाद है थर्ड में ये वाला दिया हुआ है वन बाई फोर अब वन बाई फोर में यानि कि एक पार्ट कलर करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट है एट में से हम क्या करेंगे टू को कलर कर देंगे ठीक है अब इसमें एट बाई एट टोटल है यानि कि वन इसमें हम टोटल को ही कलर कर देंगे ठीक है उसके बाद है फाइव नंबर में सिक्स बाई एट ठीक है यानी कि थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर पार्ट में तो यहाँ पे टोटल कितना है एट है एट में से सिक्स को कलर कर देंगे ठीक है एट में से सिक्स को कलर कर देंगे टू को छोड़ देंगे तो इस तरीके से आपको बना लेना है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसी को आप अच्छे से पढ़िए रिवीजन कीजिए और जहाँ कहीं भी आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे तो इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो इतना तक आप रिविज़न कीजिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय Take care, thanks to watch my video.